और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, शायद वकील साहब को मेरा नाम याद नहीं है, मेरा नाम सुजीत सम्राट है और मैं दिल्ली प्रदेश भीम आर्मी का प्रभारी भी हूँ और हमारी लीगल टीम भी है। हमने वकील साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमारी लीगल टीम में हेल्प करो, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं लीगल टीम के अंदर और बहुत सारे 150 एडवोकेट हेल्प कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ दिल्ली का केस नहीं लड़ रहे, हम सहारनपुर भी लड़ रहे हैं, हम बहुत सारे केस लड़ रहे हैं देश के अंदर जा जाकर। हमें एक दो एडवोकेट से काम नहीं चलेगा, हजारों एडवोकेट चाहिए हम लोगों को, हजारों एडवोकेट जो समाज में निकलकर अपनी सारी जो सेवाओं दे सके। दिल्ली प्रदेश के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं हमारे साथ में, दिल्ली प्रदेश के महासचिव कनिष्ठ जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता भाई राहुल नागपाल जी भी आए हुए हैं जो साकेत में पूरा काम संभाल रहे हैं, एडवोकेट हमारे साथी हमें सारिया जी बैठे हुए हैं, पूरा काम वहां पर संभाल रहे हैं और बहुत सारे एडवोकेट हैं दिल्ली प्रदेश के जो भीम आर्मी के कोषाध्यक्ष हैं आदरणीय सुनील सम्राट जी वो भी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मगर सच्चाई ये है कि जो आंदोलन होता है 21 तारीख को भी ऐसे ही देखा गया, सब अपने अपने चक्कर में लगे हुए आंदोलन के चक्कर में कि मेरे को पब्लिसिटी मिल जाए मेरे को मिल जाए, वहां भी आंदोलन खराब हुआ। हम सच्चाई की जो बात है उसको कहने के लिए तैयारी नहीं है, जो सच्चाई जड़ है जो बीमारी है उसको पकड़ने के लिए तैयारी नहीं है। हम जिंदगी भर कुछ भी लड़ते रहे हम अपनी जीत को नहीं जीत सकते क्योंकि हमने बीमारी को पकड़ा ही नहीं है। बीमारी क्या है समझना पड़ेगा आपको, बीमारी क्या है ऐसे बात अंधेरे से काम नहीं चलने वाला। आपको समझना पड़ेगा कि आंदोलन फेल क्यों रहे हैं बार बार, चंद्रशेखर आजाद को टारगेट क्यों किया जा रहा है, आखिर चंद्रशेखर आजाद को टारगेट नहीं किया जा रहा, उनकी सारी टीम को टारगेट किया जा रहा है। चमनजीत नौटियाल हो चाहे कमल वालिया हो चाहे वो विनय रतन हो, सबको जेल में डालने का काम किया जा रहा है, भीम आर्मी को बंद करने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जब से भीम आर्मी भारत एकता मिशन आई है, जब से इन लोगों के आंखों में आग डालकर नौजवान खड़ा हो गया है, वो कह रहा है कि अब तुम्हारा जुर्म हम सहने वाला नहीं है। ये नौजवान खड़ा हुआ है, नौजवान देश का 21 तारीख को था मगर चंद लोगों ने उस प्रोग्राम को खत्म करने की बात की। हमारे 96 लोग जेल के अंदर है, जैसे वकील साहब ने बताया सब लोग खिलाफ है हमारे, जुडिशरी भी खिलाफ है हमारे, पुलिस वाले भी खिलाफ है हमारे, सब लोग खिलाफ है। अरे वो लोग तो खिलाफ है, हम तो एक साथ हो जाए, जब तक एक साथ नहीं होंगे हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हमें बीमारी को समझना पड़ेगा, इनका मैं आदर करता हूँ जिन्होंने मदद की है, हाँ मदद करनी चाहिए क्योंकि ऐसे परिवार है मजदूर है। मैं 96 लोगों से मैंने पर्सनल बात की है, ज्यादातर लोग मजदूर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों के, अभी कोर्ट में आते हैं हम पर देखा नहीं जाता, छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर क्या करें वो आजादी की लड़ाई के लिए जेल के अंदर है, हम बाहर इकट्ठे नहीं हो सकते क्या, हम लोग उनकी मदद नहीं कर सकते क्या, कितने लोग आते हैं देखने के लिए, हमें अपने ऊपर थाम आती है, 5-6 एडवोकेट खड़े होते हैं मगर और नहीं आते हैं। अरे क्यों नहीं आते हैं, समाज के लोग जिस दिन बुलाया जाता है उस दिन आते हैं, हजारों फोन मेरे पास आते हैं सिर्फ यह पूछने के लिए आते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अरे आप लोग मिशन में क्यों भागीदारी नहीं करते हैं, अगर आप मिशन नहीं है बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 3-3 बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपनी पत्नी को कुर्बान कर दिया, हम अपने ऐशोआराम को कुर्बान नहीं कर सकते, हम झूठी बात करते हैं धोखा देते हैं समाज को, बाबा साहब को धोखा देते हैं। अगर सही मायने में रखते हैं तो हमें निकलना चाहिए घर से, कुछ लोग करते हैं हमारे बच्चे फंस जाएंगे। अरे अच्छे अच्छे एडवोकेट लगे हुए हैं मेरे भाई और मैंने कदम खाई है, 2 बच्चे हैं मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी के लिए, अगर सब कुर्बान हो जाए तो कोई परवाह नहीं है मुझे, मैं निकला हूं से। और 10 तारीख को मैं था वहां पर, यहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे, मैं 10 तारीख भी था और 10 तारीख से आज 18 तारीख है, आज तक मैं एक पैर पर खड़ा हूं समाज के लिए और जब तक खड़ा रहूंगा जब तक साथ है, क्योंकि मैंने लड़ाई को समझ लिया है, मैंने लड़ाई को समझ लिया है। तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम लोगों को लड़ाई को समझाएं कि हमारी लड़ाई क्या है, जब तक हम लड़ाई को नहीं समझेंगे कि हथियार से लड़ी जाएगी लड़ाई हमको पता नहीं है।
ये लड़ाई हथियार से लड़ी जाएगी, कलम से लड़ी जाएगी, ये तलवारों से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये कलम की ताकत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया है। लाखों लोग उस संविधान से बने हैं, वकील साहब जो खड़े हैं वो संविधान की ताकत से बने हैं, मैं जो खड़ा हूँ वो संविधान ताकत से खड़ा हूँ, चंद्रशेखर आजाद जो वकील बने वो ताकत से बने हैं, हजारों लोग जो बैठे हैं वो कलम की ताकत से बने हैं। हम कलम की ताकत में कमजोर है मेरे भाई, हम कलम की ताकत में कमजोर है मेरे भाई। हम 2 घंटे सड़क की लड़ाई है मगर 20 साल कोर्ट की लड़ाई है, उसके लिए क्या सिस्टम है समाज के पास, क्या सिस्टम है समाज के पास? हमारे पास एक ऑफिस नहीं है हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, हमारे पास एक आंदोलन चलाने के लिए ऑफिस नहीं है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, कैसे लड़ेंगे लड़ाई हम लोग? वकील की कोई तनख्वाह नहीं होती है, होती है कि तनख्वाह बताइए आप लोग, कैसे पालन करता है? लोग इसलिए नहीं आते आंदोलन के अंदर क्योंकि उनके पेट में बच्चे के लिए कहां से लेकर आएगा, मगर आप लोगों को उनके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसी एक लीगल टीम तैयार करनी है पूरे देश के अंदर जिसको आप बैकअप दे सको, जिसके आप तैयार कर सको आपको, जो आपकी लड़ाई को, आपके समाज की लड़ाई को लड़ सके। सब लोग महमूद राजा नहीं हो सकते, सब लोग सुजीत सम्राट नहीं हो सकते, सब लोग एमएसआरिया नहीं हो सकते, अरे आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आपने लीगल टीम तैयार नहीं करी पूरे देश के अंदर जा जाकर, तो आंदोलन ऐसे फेल उतरेंगे, हमारे लोगों को जेल में भेजना पड़ेगा, हमें न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए ये योजना है, योजना हम उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ये एक दिन में नहीं हो गया है, हम उनके चक्कर में फंस रहे हैं, वो जाल फेंक रहे हैं, हम फंस रहे हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को जेल में भेजा गया, सारंगपुर में मूर्ति तोड़ दी गई, सारंगपुर में मूर्ति तोड़ी गई, जिन्होंने मूर्ति तोड़ी उन पर 2 धाराएं लगाई गई, और जो मूर्ति के फेवर में आ गए कि मूर्ति लगाओ उन पर 17 धारा लगाई गई, 17 धारा 17 धारा। 75 लोगों को नाम दर्ज किया गया, चंद्रशेखर आजाद के पूरे परिवार को नाम दर्ज किया गया, कमल बालिया के पूरे परिवार को नाम दर्ज किया गया, और विनय रतन के पूरे परिवार को नाम दर्ज किया। ये चारों जो ताकत है उनको मचलना चाहते हैं, ये लोग उनको मचलना चाहते हैं, और मुझसे कहता है एसएचओ कि वकील साहब आपका नंबर भी है, यहां पुलिस वाले खड़े हुए हैं, मेरा नंबर सब ठीक है, तुम्हारे बाप की ताकत है तो हाथ लगा कर दिखाओ, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, लगाओ हाथ, कौन हाथ लगाता है? अरे हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ेंगे अपने लोगों की लड़ाई, हमें लानत है इस कोर्ट पर, लानत है अगर हम अपने लोगों की लड़ाई न लड़ सके। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों, आप इकट्ठे हो जाओ, लड़ाई को समझ लो मेरे भाई, लड़ाई नहीं समझी जा रही हम लोगों पर, जिस दिन लड़ाई को समझ लेंगे, अरे साकेत कोर्ट में 1000 लोग होने चाहिए थे, कोई नहीं आता है देखने के लिए, क्यों नहीं आता है? जहां पर हमारा गुरु घर तोड़ा गया वहां पर 1000 लोग होने चाहिए थे। अरे दिल्ली वाले तो निकलते नहीं है मेरे भाई, नहीं निकलते दिल्ली वाले, 3 लोग पकड़े गए हैं, वो भी मैं गलती से पकड़े गए हैं, गलती से पकड़े गए, भगा नहीं गया उन पे, गलती से पकड़े, उनको कोई लेना देना नहीं था, बेचारों को पकड़ लिया लगते, दिल्ली वाले लोग नहीं आते हैं। पंजाब के कितने लोग हैं? पंजाब के 23 लोग आए हैं, पंजाब के, हरियाणा के सबसे ज्यादा 55 लोग हैं, 11 उत्तर प्रदेश के लोग हैं, 3 दिल्ली के लोग हैं, 3 मध्य प्रदेश के लोग हैं, 1 जम्मू एंड कश्मीर का हमारा भाई है, 2 कुल मिलाकर 96 लोग हैं। हमने बहुत मेहनत करी है महमूद प्राचा जी, हम लोग, हमारी जो टीम है बहुत मेहनत करिए, 2-2 घंटे आर्गुमेंट करिए, जब आपके दिमाग में, उनके दिमाग में घुसता ही नहीं है, उनके दिमाग में एक चीज घुसी हुई है, मनुस्मृति घुसी हुई है, मनुस्मृति तो संविधान नहीं घुसता है। वो कहते हैं आपके बच्चों को हम रिलीफ नहीं देंगे, आपके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, और कमाल की बात तो ये, मैं 2 मिनट में अपनी बात करता हूं, हमने एक लगाई भाई की एक एप्लीकेशन लगाई, जो हैंडीकैप्ड है 40%, जो चल नहीं सकता फिर नहीं सकता, वो 22 किलोमीटर कैसे दूर चला गया, जज साहब से कहा इसका पेपर है, इसकी लाइफ है, जज साहब ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, रिजेक्ट कर दी। फिर हमने लगाई कल भी रिजेक्ट कर दी, अरे वो हमारी पीड़ा को सुन ही नहीं रहे, सुन ही रहे। हमें आंदोलन करना पड़ेगा देश के अंदर, जैसे आप लोग करते आए हैं, आप आंदोलनकारी लोग हैं, आप आंदोलन के लिए तैयार हो जाए, आप आंदोलन के लिए तैयार हो जाए। अगर तुमने अपने बच्चों को तुम ये कह के घर में रख लिया कि आपका नाम आ जाएगा, आप जेल चले जाओगे,
तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत इस देश को कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, अगर तुम इस देश के संविधान को बचाना चाहते हो तो आप तो आओगे आओगे, अपने परिवार को भी साथ में लेकर आओगे। इसको मुहिम बना दो, बहुजन समाज की मुहिम बना दो। एक समाज से काम चलने वाला नहीं है, इसे बहुजन समाज की मुहिम बना लो। जैसे आज यहाँ दिखाई दे रहा है मुस्लिम समाज ने जो हमारा साथ दिया है, 15 तारीख को भी हजारों की लाखों की तादाद में वो लोग आए, और जिस दिन से उनको मानव काशीराम साहब और भाई चंद्रशेखर आजाद के मिशन के विषय में वो जान रहे हैं, जब से वो काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। मुझे पता है वो भी नहीं सोते होंगे रात को, मैं वकील साहब को देख रहा हूँ, शायद उनको भी नींद नहीं आती है रात को, उनको भी नींद नहीं आती है, उनके अंदर भी वो पीड़ा है जो हमारे अंदर पीड़ा है। अगर ऐसे भाई मुस्लिम समाज के दिलों में वो पीड़ा है तो हमारे लोगों के दिलों में क्यों पीड़ा नहीं है मेरे भाई? ये पीड़ा जगानी होगी, ये ड्यूटी सब लोगों की ड्यूटी है। आज प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, खाना खा लोगे, घर चले जाओगे, इससे बात बनने वाला नहीं है। ये मध्य प्रदेश के साथी है हमारे, ये मध्य प्रदेश के साथी जिस दिन से साथी जेल में गए हैं उस दिन से दिल्ली में है, बताती उस दिन से दिल्ली में है। ये पत्रकार साथी है जो पत्रकार खड़े हुए हैं, ये एक एक मोमेंट की रिपोर्ट को देते हैं लोगों को, पूरे देश को बचाने का काम करते हैं। क्या इनका योगदान नहीं है? क्या इनका योगदान नहीं है? सबका योगदान है। तो मेरे भाइयों, दिल्ली में हम अच्छी तरह रह रहे हैं। मेरी एक अपील है लास्ट में आप लोगों की, एक अपील है, पीर पर बस्ती हो गई है पिघलनी चाहिए, पीर पर बस्ती हो गई है पिघलनी चाहिए। अब सहन नहीं होता, अब सहन नहीं होता मेरे भाई, अब सहन नहीं होता। हमारी बहन पे रेप होता है तो वहां पर FIR नहीं होती है, भाई चंद्रशेखर को जाना पड़ता है, भाई चंद्रशेखर को जाना पड़ता है। हमारे भाइयों का कत्लेआम होता था तो भाई चंद्रशेखर को जाना पड़ता है, हर जगह भाई चंद्रशेखर को जाना पड़ता है। जब भाई चंद्रशेखर उनकी टीम काम कर रही है तो भाई चंद्रशेखर और भीम आर्मी का नाम क्यों नहीं है? वही संगठन देश के अंदर काम कर रहा है, उसका नाम होना चाहिए जो दूसरे लोग टांग खींच रहे हैं। मेरे भाई तुम भी गले लग जाओ, तुम भी गले लग जाओ मेरे भाई, हमने कम मने करा आप लोगों से। इसलिए मेरी गुजारिश है कि पीर परवस्ती हो गई है पिघलनी चाहिए, पीर परवस्ती हो गई है पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना चंद्रशेखर का मकसद नहीं है, चंद्रशेखर की कोशिश है इस समाज की और इस देश की सूरत बदलनी चाहिए, इस समाज की और देश की सूरत बदलनी चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय गुरु की साथियों। और साथियों, एक शेर में वकील साहब के ऊपर कहना चाहूंगा, जो उन्होंने काम किया है, जो उन लोगों ने करा है, कि आज तक वो भी उनकी कमर पे भी वो डंडा पड़ रहा था जो हमारी कमर पे डंडा पड़ रहा था। आज समझ चुके हैं कि डंडा एक ही है, कमर अलग अलग है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उधर प्रदेश है तुम झाको, इधर प्रदेश है हम झाके, उधर परदेश है तुम झाको, इधर परदेश है हम जाके। लगा दो आग पर्दे को, ना तुम झाको ना हम जाके, गले मिल जाए, संगठन बना ले। जो दुश्मन है वो कांप जाएगा, दुश्मन कांप जाएगा। ये दुश्मन ज्यादा दूर नहीं बैठा, यहाँ से सबको पता है, उनके दलाल चमचे यहाँ बैठे होंगे सारे लोग, वो पहुंचा देंगे वीडियो। हम तो ऐसे ही बोलते थे, ऐसे ही बोलते रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं, इस देश में संविधान को चलाने वाले हैं। जय भीम, जय भारत, जय गुरु की साथियों, जय मानव।